हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है खाओ पियो मस्त रहो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी सब्जी रेसिपी, इसे हम कोफ्ते सब्जी भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने राजमा लिया है, ये एक कप राजमा था, इसे रात भर भिगो दिया है और अब पानी निकाल के इसे हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। इसमें हम डालेंगे एक कप पानी, यह राजमे के ऊपर आए इतना पानी चाहिए हमें। नमक डाल देंगे, सादा नमक हमने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं पानी जस्ट राजमे के ऊपर ही है। और फिर इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे, एक सीटी के बाद 5 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और सी ठंडी होने के बाद इसका हम ढक्कन खोल देंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जब ठंडा हो जाए पूरा प्रेशर तभी ढक्कन खोलिएगा। हम सारा पानी निकाल देंगे और राजमे को अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गल गया है ये। इसे एक छन्नी में डाल के हम सारा पानी इसका निकाल देंगे। पानी से थोड़ा सा गीला हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें सारा पानी अच्छे से निकाल दीजिएगा। यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, कॉर्नफ्लोर लिया है हमने 2 बड़ा चम्मच। इससे क्या होगा, हमें अच्छी बाइंडिंग मिलेगी। अगर आप कॉर्नफ्लोर ना चाहें तो यहाँ बेसन भी डाल सकते हैं। हमने कॉर्नफ्लोर के साथ बेसन भी डाला है, तो 2 बड़े चम्मच हम यहाँ बेसन ले रहे हैं, इससे काफ़ी सौंधापन आएगा। आप खाली बेसन भी डाल सकते हैं और मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह पर। तब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने से पहले हम डाल रहे हैं इसमें नमक 1 बड़ा चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब हमारा राजमा भी ठंडा हो चुका है, तो इसको हम एक मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पीसिए ताकि ये अच्छे से पिस सके, इसका एक भी समुच दाना हमको नहीं चाहिए। और पानी मत डालिएगा जब हम इसे पीसेंगे। अब जो हमने तैयार किया था इसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच लहसुन, मिर्चा और अदरक का पेस्ट। ये राजमा जो हमने पीस लिया है ये डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से गूँथ लेंगे, जैसे कि हम आटे को गूंथते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। और अगर कहीं भी गुथलू रह जाएगी तो वो फूलेगी नहीं, दिक्कत करेगी राउंड करने में भी। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हाथ से हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। बॉल छोटे ही बनाएंगे क्योंकि इसे कढ़ाई में जब तलेंगे तो इसे हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये बॉल हमने तैयार कर लिए और वैसे ही सारे बना लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल अच्छा गर्म भी हो गया है। अब हम डाल रहेंगे इसको और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे ताकि ये इक्वल पके, ऐसा ना हो कहीं रंग ज़्यादा अच्छा है कहीं ज़्यादा कम। तो इसे थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे ताकि इवन कुक हो, कलर भी प्रॉपर आए। तो आप देख सकते हैं 5-6 मिनट बाद ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं और सारे ऐसे ही तल देंगे। इसे रख देंगे साइड में और करते हैं अपनी करी की तैयारी। तो यहाँ हमने कढ़ाई ली है, इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा तड़के के लिए, हींग डाल रहे हैं 1 चुटकी, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्ची वाला पेस्ट 2 बड़े चम्मच। ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज, हमने 2 प्याज लिए हैं जिनका पेस्ट तैयार किया है, ये हम डाल देंगे इसमें और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, तो हमने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के थे, इन्हें कट किया है रफली और ये हम इसमें डाल दे रहे हैं। टमाटर डाल दिया है तो नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल सके। पहले भी हमने राजमे में नमक डाला है तो नमक उसी हिसाब से डालिएगा, हिसाब से आप करी तैयार करें। ये हम डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच। इन सबको डालने में थोड़ा पानी डाल देंगे हम। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर करीबन 5 से 6 मिनट लिए पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले चिपके नहीं और ये अच्छे से कुक हो जाए और टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तो हमने यहाँ पर देखिए मसाला हो गया था, तो पानी डाल दिया है। यह हमने 2 बड़े कप पानी लिया है। रसा आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कम खाना हो तो वैसा और ज़्यादा खाना हो तो वैसा। इसे भी हम ढककर पकाएंगे और थोड़े थोड़े भी चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं। ये
ये देखिए हल्का हल्का सा इसमें ऑयल भी दिख रहा होगा आपको। अभी 2 मिनट और पकाएंगे इसको हम। 3 मिनट हो चुके हैं, हमने बीच में खोल के चला दिया था और अब फिर से ढकेंगे और 2 मिनट बाद फिर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और कितने बढ़िया से हमारी करी जो है तैयार हो गई है। इसको हम अपने कोफ्ते के ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो कोफ्ते करी के अंदर डाल सकते हैं, पर सर्व करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इस पर हम डाल देंगे अपनी करी और लीजिए गर्मा गर्म तैयार है खाने के लिए। इसे हमने नान के साथ परोसा है, आप चाहें तो इसे चावल या पराठे किसी संग भी खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी हैं, ऊपर से हम गार्निश कर रहे हैं हरे प्याज से। अगर आपको मेरी ये कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। आई होप यू एंजॉय।